हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं देखिए एकदम तैयार हो रही हूँ। और कहाँ जा रही हूँ देखो, सीनू कितना खुश है जाने के लिए। अभी सीनू के कपड़े चेंज नहीं किया है, अब करेंगे। और बिटिया रेडी हो गई है, तो आप लोग सोच रहे होंगे हम कहाँ जा रहे हैं। तो वीडियो में बने रहिए और बताते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। अच्छा, गिफ्ट देख के तो पता चल गया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं ना सीनू, पता चल गया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। देखो सीनू हमारा गिफ्ट दिखा रहा है आप लोगों को, और बताइए आखिर इसमें है क्या, है ना। तो बताइए आज हम कैसे लग रहे हैं। कुर्ती और प्लाजो पहने हुए हैं, ब्लैक कलर की कुर्ती है। तो देखिए मैं कहाँ जा रही हूँ, देखिए जल्दी से। ए ए ए ए ये देखो सरप्राइज़, तो मैं आ गई बर्थडे पार्टी में। ये सीनू की फ्रेंड हैं, है ना सीनू। तो मैं आ गई दोस्तों बर्थडे की पार्टी में। सीनू की फ्रेंड की बर्थडे की पार्टी है। ये देखो दीदी मेरी, हाँ बर्थडे कर रही है। तो गाइस मेरी दीदी बर्थडे कर रही है, और हम देखे वहाँ पे खड़े स्टार के लिए, जिसमें स्टार पाते तो बहुत खुश होते हैं ना। और देखिए ये जो है वो बिटिया हमारी, ये जो पीला कलर का पहने हुई है वो हमारी बिटिया को लिए हुए हैं। देखिए जो हम पीला जा रहा है अब केक कटने। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, और ये है मॉर्निंग का टाइम। तो गाइस मैं कल गई थी बर्थडे में, और बर्थडे से वापस आ गई थी रात में। तो अरे बगल में ही था ये जो आप देख रहे हैं, जहाँ पे खड़े हैं बस इसके बगल में ही था। तो गए थे गाइस कल में, देखिए हमारी बिटिया भी जग चुकी है। आ गए भाई, आ गए। तो गाइस हमारी बिटिया भी जग चुकी है, कोई काम नहीं करने देती है। तो हाँ सुनिए, तो मैं कल जब बर्थडे में गई थी तो ये देखो जग गई हैं, कुछ नहीं करने देती हैं ये, है ना बिट्टी। और आज आप लोग देख रहे हैं मैं साड़ी में दिख रही हूँ। आज हमारा मन था कि आज हम साड़ी पहने। और तो दोस्तों मैं जब बर्थडे में कल गई थी तो हमारी बिटिया बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही थी। ये देखो बैठी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। तो वैसे वहाँ गई थी तो सारे लोग हमारी बिटिया को गोदी ले लिए थे, तो वैसे हमको ज़्यादा दिक्कत नहीं पड़ी लेने की। मगर जब खाना खाने का टाइम आया बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही थी। सीनू भी खाना नहीं खाए थे, मैं भी खाना नहीं खाई थी, बहुत परेशान कर रही थी, इतना रो रही थी। तो मैं लेके चली गई और अपनी फ्रेंड से बता दिया कि मैं घर जा रही हूँ, हमारी बिटिया बहुत ज़्यादा रो रही है, परेशान कर रही है, तो मैं जा रही हूँ। तो वो बोलने लगी नहीं दीदी, खाना खाए बिना जाना नहीं है, खाना खा लीजिए। मैंने कहा नहीं, मैंने खाना घर पे ऑलरेडी बना के खाई हूँ और घर पे खा लूँगी, कहीं नहीं ऐसे फिर अच्छा नहीं लगता है। फिर गाइस हमने कहा हमारी बिटिया रो रही है, तो इसीलिए मैं चली आई थी। वहाँ से आई, बिटिया को फीड करा के बस तुरंत ही सो गई। फिर सब्जी उब्जी काटा, फिर हमको वीडियो बनाने का समय नहीं मिला। मैंने सोचा अपडेट तो देना ही पड़ेगा, तो लास्ट सुबह बना के डाल देती हूँ।
तो आप लोग कैसे हैं? लाइक कमेंट शेयर वीडियो को जरूर करना। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब चैनल कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना ताकि कोई भी वीडियो बने सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो गाइस रात में फिर फ़ोन आया, 7-10 बज रहा होगा। आंटी ने फ़ोन किया कि बेटा आपने खाना नहीं खाया और मैं तो काम में बिजी थी, ध्यान भी नहीं दे पाई। और अभी बिटिया बोलने लगी कि दीदी खाना नहीं खा के गई हैं। अरे मैंने बोला आंटी ठीक है, कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है और घर की बात है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या हुआ, मैं तो खाना खा चुकी हूँ घर पे। कहीं नहीं, दरवाज़ा खोले मैं लेके आ रही हूँ पत्तल में और अभी देती हूँ। मैंने कहा नहीं आंटी आप परेशान मत हो, रात का 10 बज गया, रात भी हो गई थी। बहुत अच्छी हैं ये लोग, बहुत अच्छी हैं इन लोगों। सोच लो गाइस मैं जहाँ पर रहती हूँ हमारे घर परिवार वाले इतना मेरा साथ नहीं देते थे। मैं आपका दुख मैं अपना बयान नहीं कर सकती हूँ कि मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई। ये आप मान लीजिए हमारे घर के लोग मेरा इतना साथ नहीं थे। मेरा सीनू इतना बीमार रहता था, कोई पूछता भी नहीं था कि कहाँ जा रही हो कहाँ आ रही हो। मगर ये आंटी लोग मुझे इतना मानती हैं आप लोगों से मैं बता नहीं सकती। रात में बता 10 बजे मुझे कह रही थी मैं खाना लेकर आ रही हूँ। मैंने कहा नहीं आंटी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप खाना मत लाइए, मैं खाना खा चुकी हूँ। देखो अपने आप को कितना ज़्यादा खुशी होती है कि मैं यहाँ पे रह रही हूँ, मेरा कोई ध्यान देने वाला है। गैस है नहीं, इंसानियत आज के ज़माने में वैसे है नहीं कहीं पर, मगर 100 में 1-2 लोग ऐसे हैं जो हम लोगों की प्रॉब्लम को समझ सकते हैं, है नहीं। मगर बहुत अच्छी हैं इनकी, ये जो आंटी हमारे बगल में रहती है इनकी वजह से बताओ मेरी बिटिया को राशन मिलने लगा। नहीं आज तक मैं सरकार की तरफ से मुझे कोई भी मतलब सफलता नहीं मिली है, कोई भी सफलता नहीं मिली मुझे। मगर ये आंटी ना हमारी बिटिया को राशन दिलवाती हैं, हमारी बिटिया को मिलता है, थोड़ा सा तेल मिलता है और चने की दाल मिलती है। आप लोगों की वीडियो तो पड़ी होगी, आप लोग सब्सक्राइब करना चैनल को और जाके देखना और देखिए हमारी बिटिया को। जग गई है हमारी लाडो। हाँ भाई जग चुकी है बच्चा। नानी आई थी यहाँ पे, चली गई दवा लेने। आज पापा की रिपोर्ट गई, हमारे हस्बैंड की तबीयत खराब थी और हमारे सीनू को भी फीवर आता है, वो छोड़ नहीं रहा है उनको, पता नहीं क्या बुखार आ जाता है, छोड़ता नहीं है। तो गई जांच करवाए थे परसों नर्सों, हमारे हस्बैंड भी जाँच करवाए थे, तो आज उनकी रिपोर्ट आ जाएगी। तो वही हमारे पापा लेने गए हैं रिपोर्ट, तो पर्चा लेने आए थे तो रिपोर्ट लेने गए हैं, तो देखते हैं क्या निकलता है। गाइस आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, भगवान सब अच्छा रखें। मैं बहुत परेशान हूँ, हमारे हस्बैंड बहुत, आज लैटरिंग आ रही थी रात से 1-2 बजे से लैटरिंग जा रहे थे और बोल रहे थे ऐसा मैं कभी नहीं हुआ। आज हम बहुत परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो रही थी और बहुत ज़्यादा गाइस परेशान थे, इतना दर्द हो रहा था। तो हम बोल रहे थे आज ड्यूटी मत जाना, मगर बोलने लगे कि नहीं जाना तो पड़ेगा क्योंकि जाएंगे नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, इस समय बहुत ज़्यादा काम चल रहा है ड्यूटी पे, अगर जाएंगे नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। वरना पेट में दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था, लैट्रिन बहुत ज़्यादा आ रही थी, जाने का मन नहीं था, खाना वाना खा के नहीं गए हैं, सिर्फ लेके गए हैं। बताओ हम लोग हैं, हम लोगों को दर्द होता है तो घर पे रहते हैं, देखते हैं औरतें सिर्फ, इसीलिए हम बोलते हैं कि आदमी के ऊपर ज़्यादा भार नहीं लादना चाहिए। कुछ औरतें ऐसी होती हैं ये नहीं करते हैं वो नहीं करते हैं, मगर नहीं हमारे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, उनसे हम बोलती हूँ बस कि ये आप लोग जान लीजिए। हम लोगों को अगर दर्द होगा तो देखिए पंखा चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, इतनी खुशी हमको देते हैं। घर पे बैठी हूँ, कुछ दर्द हुआ, लेट गई, मन किया खाया मन किया नहीं खाया, उनको बेचारे क्या, उनको तो दर्द हो रहा है। ड्यूटी जाना है तो जाना है, ड्यूटी ऐसी चीज़ है दोस्तों, जाना है तो जाना है, कोई भी प्रॉब्लम हो। बताओ आज लैटरिंग आ रही थी, इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी मगर चले गए, क्या है मजबूरी तो है, तो एक मजबूरी है, हम लोगों से ज़्यादा करते हैं वो, मगर कोई समझने वाला तो हो। बहुत परेशान है गाइस। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर अगली नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं रिपोर्ट में क्या आता है, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं गाइस। आप लोग हमारे फैमिली के हिसाब हो, आप ही लोगों के साथ शेयर कर सकती हो। और चैनल गाइस हमको जिसको पता होगा ज़रूर बताना, हमारा चैनल लेट तो नहीं हो गया, फीस तो नहीं हो गया, मुझे बहुत टेंशन होती है क्योंकि लॉन्ग वीडियो में हमारा व्यूज़ नहीं जा रहा है गाइस, बहुत परेशान हूँ वीडियो बनाते बनाते, मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। मैं सोच रही हूँ